मुरादाबाद के रामगंगा विहार स्थित सीएल गुप्ता नेत्र संस्थान में कक्षा 12वीं के मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। संस्थान की ट्रस्टी शिखा गुप्ता ने कहा कि हमारे प्रदेश को होनहार मेडिकल प्रोफेशनल्स की बहुत जरूरत है, जो कि पूरे सेवा भाव से समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निर्वाह करे। एक अच्छे संस्थान से पैरामेडिकल कोर्स की पढ़ाई करने के बाद ये बच्चे दुनिया से ब्लाइंडनेस की दर को कम करने में अपना विशेष योगदान दे सकते हैं। संस्थान की वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर आशी खुराना ने कहा कि नेत्र चिकित्सा अपने आप में एक व्यापक क्षेत्र है, जिसमें बच्चों को अपना करियर बनाने के बारे में सोचना चाहिए। संस्थान के द्वारा मुरादाबाद, बिलारी, कुंदरकी, कमालपुर और भोजपुर के इंटर कॉलेज के 80% से 70% अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। संस्थान की प्रशासनिक अधिकारी गरिमा सिंह ने सभी बच्चों को करियर काउंसलिंग देते हुए बीएससी ऑप्टोमेट्री और डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री के बारे में जानकारी दी। सीएल गुप्ता स्कूल ऑफ ऑप्टोमेट्री के असिस्टेंट प्रोफेसर राजकुमार ने बच्चों को पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में बैठने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। उजमा रफीक ने बच्चों को ऑप्टोमेट्री क्षेत्र में क्या क्या सिखाया जाता है इसकी जानकारी दी। असिस्टेंट प्रोफेसर ऋतिशभ चौरसिया ने सभी छात्र छात्राओं को ऑप्टोमेट्री फील्ड में जॉब की संभावनाएं और स्वरोजगार की संभावनाओं के बारे में बताया। कार्यक्रम का संचालन असिस्टेंट प्रोफेसर आकांक्षा गुप्ता ने किया और कार्यक्रम में करीब 125 बच्चों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में अमृता बिलाल सिद्दीकी, धर्मेंद्र विश्नोई और समीर सूतर का विशेष योगदान रहा।